झूठ बोल रहे। अरे झूठ कैसे, गीता एक मिनट रुक जाओ, गीता पे हाथ रखवा लो, काय पे रखवाने, गीता पे नहीं सामने मंदिर पे, माँ की मंदिर पे हाथ रख, बिल्कुल हाथ लेके चलूंगा मंदिर पे, अब भाई चलो देख लो, अब भाई चलो, अब भाई चलो, रुक तो जा, मंदिर पे लेके चलूंगा, ध्यान रखना, अब भाई चलो, अब भाई अगर किसी ने सिखाया हो तो पहले बता, झूठ मत बोल, सिखावे वालों काम ही नहीं है ना। लेकिन मैं तो ये जानने निकला हूँ कि क्या सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँच पाया किसान को, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँच पाया मजदूर को, यही जानने में मध्य प्रदेश कवरेज पर हूँ और सीधा जनता से ही बात करता हूँ, लगातार आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक फूड पॉइंट पर मैं रुका हूँ, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये कैसे देखते हैं, किसकी बन रही है सरकार। दद्दू इधर आइए, क्या नाम है आपका? अंकेश गुप्ता। अंकेश एक बात बताओ, अब चुनाव चल रहे हैं जी, पता तो होगा चुनाव चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं ना, पता है ना, हाँ 17 तारीख में वोटिंग है। पढ़े लिखे हो क्या? हाँ आठवीं फेल है, आठवीं फेल फेल जी, पता है 17 को वोटिंग है। हाँ 17 को वोटिंग है। अच्छा जी बताओ, एक तरफ कांग्रेस वाले हैं जी, एक तरफ भाजपा वाले हैं जी, दोनों के वादे भी हैं, दोनों के मैनिफेस्टो भी हैं, क्या लग रहा है? पिछली बार मामा रहे तो मामा का कैसा रहा हालचाल? हालचाल बढ़िया रहा मामा का, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या बढ़िया रहा मामा का हालचाल है? क्या बढ़िया रहा भाई, हमारे हिसाब से तो बढ़िया है भाई, हमको हर चीज का लाभ मिल रहा है तो हमारे हिसाब से बढ़िया है। तुम तो यहाँ यार समोसे बेच रहे हो, तुम्हें काय का लाभ मिल गया? क्यों नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। क्या लाभ मिल गया भाई? लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, किसानी के जो पैसे आते हैं सालाना किस्त, उसका लाभ मिल रहा है, जो राशन मिलता है राशन का लाभ मिल रहा है, बच्चे के लिए बच्ची के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, हर चीज का लाभ मिल रहा है, जितनी योजना गवर्नमेंट चला रही है उस हिसाब से हमको लाभ मिल रहा है भाई। अरे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलेंगे, किसी से पैसा खा के थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, जो मिल रहा हो सबके लाने मिल रहा हो, हमारे लाने अकेले थोड़ी मिल रहा हो, योजना का लाभ हर किसी को मिल रहा है। अब भाई कोई अगर योजना का लाभ लेके अगर ऊटपटांग खर्च करे, शराब पिए, राशन बेच के, तो भाई उसमें गवर्नमेंट की गलती थोड़ी है। अच्छा हाँ भाई, हमें अम्मा को, अम्मा को क्या मिल रहा? अम्मा के लाने 600 रुपये महीना की पेंशन मिला थे, किसानी बिन के नाम पे किसानी को पैसा आता बिन के खाते में, अम्मा के खाते में। हाँ अम्मा खाते में हाथ, झूठ बोल रहे। अरे झूठ कैसे, गीता एक मिनट रुक जाओ, गीता पे हाथ रखवा लो, काय पे रखवाने, गीता पे नहीं सामने मंदिर पे, माँ की मंदिर पे हाथ रख, बिल्कुल हाथ लेके चलूंगा मंदिर पे, अब भाई चलो देख लो, अब भाई चलो, अब भाई चलो, रुक तो जा, मंदिर पे लेके चलूंगा, ध्यान रखना, अब भाई चलो, अब भाई अगर किसी ने सिखाया हो तो पहले बता, झूठ मत बोल, सिखावे वालों काम ही नहीं है ना, सिखावे वालों काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, पासबुक है आप भाई होते हैं, स्टेटमेंट निकलवा लो। अम्मा साहब तुम्हें मिल रहे पैसा, की झूठ बोल रहे? नहीं मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है, हमें वृद्धावस्था का पैसा मिल रहा है हमें। कितने पैसा आ रहे? 600 आ रहे। हाँ और हमारी बहुओं के भी 1,000 आ रहा है बेटा, आप जब ये 1,250 आए, 250 हाँ 250 हाँ अंदर चल, अंदर ही चलो भाई, इधर आओ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं माँ बेटे मिलकर, लेकिन आज छापा मारा है मैंने उस गरीब के घर पे, जिस गरीब की बात हो रही है, जिस गरीब की सरकार बात कर रही है, लेकिन क्या गरीब के घर में सच में योजनाएं पहुंची है? क्या नाम है आपका? बबली गुप्ता। थोड़ा जोर से बोली, डरा दिया किसी ने, कुछ बोला है क्या? बताओ। नहीं नहीं, बबली गुप्ता, बबली। हाँ अच्छा ये बताओ, वो आपके पति है? हाँ वो हाँ। तो इतनी बात बोल रहे हैं कि ये योजना वो योजना फालतू की योजना, ये मिल रहा है भैया, सही में मिल रहा है, हमें भी आते हर महीना आते हा? हर महीना आते 1,250 रुपए, और मतलब हमें गुड़िया के 6,000 आते, वो अभी पढ़ाई कर रही, तो 12वीं में अभी 11वीं में उसको 6,000, अभी 12वीं में उसको 6,000 आएंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी बिटिया? 12वीं बोर्ड है आपकी बेटी? हाँ 12वीं कक्षा में। हाँ 12 BSL में है माई गुड़िया। अच्छा हाँ। उनको क्या मिला? उनको मतलब ये पढ़ाई के पैसे भी मिल रहे हैं, 6 लाडली लक्ष्मी योजना वाले 6। तुम मत बोलो वहाँ से, तुम झूठ बोल रहे हो मुझे पता है, अभी तुम्हें माता रानी के मंदिर में लेके जाऊंगा, आज छापा मार रहा हूँ गरीब के घर पे, आज इनको तुम्हारे पति को लेके जाऊंगा माता रानी के मंदिर में। ले जाओ ना, सही बात है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, सही बात है, सही में मिल रहे है पैसे। लेकिन ये तो कह रहे कुछ नहीं कर रहे मामा, झूठे मामा, सच्चे मामा? नहीं मिल रहे है, जो पैसे मिल ही रहे, जो बच्चों को मिल रहे है वो भी मिल रहे, हम लोगों को मिल रहे, लाडली लक्ष्मी योजना के भी 1,200, अभी 1,250 आ गए थे, 7 तारीख को आ गए थे हम लोग के, तो जल्दी आ गए थे, और जल्दी आ गए जल्दी आ गए। लेके आती इनको तो नहीं देती थी पैसे? नहीं हमारे खाते में रहते भैया।
तुम्हारे खाते में रहते हैं? आ, तो नहीं कहते हमें दो पैसा? नहीं लेते है? लेते ही नहीं है, हमारे पास रहते है। क्या लाती हो? कुछ नहीं, हम अपने घर की खिला रहे हैं। मायके तो नहीं भेज देती पैसे? मायके जाते ही नहीं है तो पैसे कहाँ से जाएंगे। अच्छा ये बताओ मामा, जो शिवराज हैं वो तो कह रहे हैं हमके भाई हैं, आपके भंजे हैं, भंजी हैं। जे मामा ऐसा तो नहीं है चुनाव में आके भाई भांजा बहन बना ले? अब ये नहीं बता सके पन, अभी तो हमें मिल रहा है भैया, तो हम तो अभी बोलेंगे उनके लाने के, जो कि अभी दे ही रहे हो पैसे। मामा ठीक है कि खराब है? अब ये कोई की नहीं बोल सकते। तुम्हारा दिल क्या करता है, भैया ठीक है शिवराज सिंह के खराब है? अभी तो ठीक है भैया। हाँ पक्को में भैया? हाँ पक्को में। अच्छा चलिए बाहर चलूंगा, आज यही छापा मारने आया हूँ कि गरीब के घर पे योजनाएं मिली कि नहीं मिली। अब की बार गरीब किसके साथ, गरीब परिवार को किस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अब ये बताओ, सच बताना। चलो अब तुम मेरे संग मंदिर पे चलो, मंदिर पे चलो, मंदिर पे आओ, तुम्हारे सामने ठीक मंदिर है ना। अरे चप्पल उतार के आओ, चप्पल पहन के आओ, चलो आओ भाई, कैमरा लेके आगे आओ। चलो मैं एक गरीब व्यक्ति को मंदिर में लेके आ रहा हूँ, और जिस तरीके से चपड़ चपड़ वहां बोल रहे थे ये योजना वो योजना फलाना योजना, सामने माँ खड़ी है, पहले हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो माँ के सामने, हाथ जोड़ो मंदिर के सामने। अब ये बताओ क्या ये सत्य है, गरीबों की मदद हुई या नहीं, लगता है कि गरीबों की मदद नहीं हुई? आपको नहीं दिख रहा हुई है? नहीं आपको भी तो दिख रहा होगा, आप करेली में आओ, आवास योजना की और दुनिया के सब मकान बन रहे हैं, राशन मिल रहा है, हर सुविधा मिल रही है भाई, आपको भी तो दिखता है हो रहा है? नहीं हमको अकेले तो, हमको तो मिल रहा है तो हम बोल रहे हैं भाई मिल रहा है हमको, आपको मिला? हाँ मिला ना, मिल रहा है ना, हर महीने मिल रहा है। अच्छा हाँ बकायदा। देखो कांग्रेस पार्टी आ रही है, अब की बार 1500 रुपये महिलाओं को देंगी, किसानों को अच्छा पैसा देंगी, सब आ जाने दो आप भाई, जब वो देंगे तो फिर उनको भी सपोर्ट करने लगेंगे, क्या है उसमें भाई, अभी जो दे रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे अभी सपोर्ट करोगे तभी तो वो आएगी। अरे तो भैया तो अबे तो हमें पहले से जो देता रहा हूँ हम पहले बाकी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो अबे तो 1250 आ रहे हैं और फिर अब भाई चुनाव के बाद 1500 और फिर 3000 होने, 3000 होने हैं भाई, जो दे रहा हूँ हम तो बाकी साथ चल रहे हैं, तो आप कब दे होगी, हमें तो जो अबे दे रहा हूँ हम बाहे देख रहे हैं। अरे राहुल गांधी हैं उनकी पार्टी में नेता, राहुल भैया, कमल भैया, अभी तो मोदी जी हैंगे, हैं क्या राहुल गांधी अकेले हैं, तभी तो मोदी जी हैंगे, कमलनाथ, कमलनाथ, अरे तो शिवराज जी हैंगे थे, कमलनाथ, अरे तो शिवराज जी भी तो हैंगे, ये कह रहे शिवराज जी तो गए, अरे तो पता चल है कब है गए, 3 दिसंबर में पता चले, अबे केवे से कछु नहीं हो रहो, केवे से कछु ना, केवे से कछु नहीं हो, 3 दिसंबर में पता चले कौन गाओ कौन आओ, तो कह रहे ना 3 दिसंबर में गई भाजपा, तो भैया तो कांग्रेस ही बोल रहा है भाजपा गई, और भाजपा वाले बोल रहे का कांग्रेस को पता ही नहीं, तुम भाजपा के नेता हो क्या? नहीं हम भाजपा के नेता नहीं है भाई, हम तो वोटर है, वोटर है, अच्छे वोटर, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, अरे समोसा जलेबी पुआ जो कचु खाने सब मिले, सब मिले, सब मिले, बिल्कुल अच्छा, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, आपके दिल पर ऐसा क्या छाप छोड़ दी शिवराज सिंह चौहान ने कि आप मामा के गुण गा रहे हो? अरे मामा के गुण इसलिए गा रहे हैं कि भाई योजनाओं का लाभ जब से सरकार बनी है जब ही से मिल रहा है भाई, अभी से थोड़ी मिल रहा है, कांग्रेस की सरकार थी पहले तो रात भर छत पे और नीचे रात भर लेफ्ट राइट करते, रात भर लाइट बंद रहती, गुड़ बाजार रहते, तो एमलिया नाना कहाँ जाते तो कच्ची रोड में पैदल जाते, पाँव इतने गपत्ते, शिवराज जी की सरकार बनने के बाद ही रोड बनी भैया, है और पढ़ाई तक नहीं कर पाए ढंग से, लाइट समस्या के मारे 2 बार 8 भी फेल होगा, 1 बार तो छोड़ो, तेज तो तुम बहुत, अरे तेज का तेज है जब तो इधर टिके हैंगे भाई, इतने व्यापारियों के बीच में टिके हैं, कछु बुद्धि रखा तो जब तो टिके हैंगे। अरे वे कह रहे हैं अब की बार गए मामा, हिल गई कुर्सी, तो हिलन दो ना, वो तो अब भाई 3 तारीख में समझ में आया, अबे क्या कच्चू नहीं हो रहा, कच्चू नहीं हो, अबे कच्चू नहीं हो, अब भाई लग रहा हो तो पानी आवे बारो है, आओ नहीं आओ ना, लग रहा हो तो ना अब भाई आई गो, लग रहा हो तो नहीं अब भाई आई गो, नहीं आओ ना, तो ऐसे अब भाई पता चले 3 तारीख में क्या हो रहा हो। एक बात तो बताओ, 5 हॉर्स पावर का तुम्हें इंजन मिलेगा, 1500 रुपये मिलेंगे, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो, बहुत देर हो गई बोलते हुए, अम्मा को अपनी मम्मी जो हैं है, उनको भी पैसे मिलेंगे, तुम्हें भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हम कमा के खूब खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बेरोजगारी भत्ता जे भी तो देंगे, जब जे दे हैं इनसे ले लेंगे, सरकार तो बना दू पहले, और का बन रही है सर, बन ही रही है,
पक्को में? अरे 110% की कांग्रेस की? हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की। सच बताओ? बिल्कुल 100%। अरे बिल्कुल, कसम खुआ के खुआ, कसम खुआ। माता रानी खड़ी है पीछे? सामने ही कह रहा है, दुनिया माता को पूछती है। बिल्कुल, हम तो सामने ही कह रहे हैं, बन ही रही है, बन रही है बिल्कुल। और जो हवा लहर तूफान जो कांग्रेस वाले कह रहे चल गए हमारे, तो भैया ऐसा ही पार्षद चुनाव में भी कह रहे थे, दो कांग्रेस के और तीन कांग्रेस के, एक को पता नहीं, सब रहरा गए। तो नहीं, आप करेली के, आप करेली के तो नहीं हो, लेकिन भाई आप इतनी जानकारी हुई है, 15 और होल्ड सूजा। होल्ड सूजा क्या होता है? होल्ड सूजा मतलब जीरो। जीरो? हाँ भाई, देखो नहीं का सबकी बार पक्का? बिल्कुल 100%। अरे राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, हाँ शिवराज मम्मा आ रहा है, मोदी जी तो बाद में यहाँ लोकसभा में। अच्छा, हाँ मम्मा आ रहे हैं? बिल्कुल 100% आ रहा है। तुम भी दोगे, पत्नी भी देगी? अरे पूरा घर भर दे, पूरा घर भर, पूरा घर भर। अब मोड़ा को नाम नहीं जोड़ो, नवा से भी भाई दबुआत। अच्छा, बिल्कुल, यानी जादू कर दिया तुम पे। जादू का बस में कर लो, मैंने तो भाई व्यवस्थाएं दे दे के पब्लिक के बस में कर लो, का करो पब्लिक बस में कर लो। और बिल्कुल बस में कर ली भाई, हर चीज की सुविधा मिल रही, तो वो तो भाई बसी कराण है। अच्छा बिल्कुल, आखिरी में एक सवाल, एक जवाब, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, शिवराज को हटा देंगे, शिवराज चले गए, शिवराज की कुर्सी खत्म हो गई, शिवराज दोबारा नहीं बनेंगे सीएम, उन लोगों को, आप गरीब परिवार के हो, आप यहाँ समोसे पोहा बेचते हो, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के आपसे बात की, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं डिबेट करता, मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं गणित लड़ाता। जो लोग लड़ाते हैं उनको ये तस्वीर देख लेनी चाहिए, एक गरीब परिवार का लड़का जो माता रानी के सामने एक्सेप्ट कर रहा है और बोल रहा है, सच बोल रहा है कि उसके पूरे परिवार को, भाई को भी मिलता है सब कुछ। भाई को भी मिलती है योजना, बकायदा मकान के लिए पैसे मिले, अभी काम लगा है। कितने पैसे मिले? अभी 2,00,000 रुपए आ गए, 50,000 रुपए रह गए हैं बस आखिरी किस्त। अगर सरकार ये मकान बनाने वाली योजना नहीं चलाती तो क्या समझते कि जीवन में मकान बना लेते? नहीं तो बना तो लेते, लेकिन भाई जल्दी नहीं होता है भाई, पैसे की व्यवस्थाएं कम रहती हैं तो जल्दी नहीं हो पाता है, थोड़ा जैसे 2,00,000 मिल गया। कितनी उम्र है भाई की? भाई की उम्र है 37 साल करीब। 37 साल में मकान नहीं बना पाए थे? तो 37 साल में मकान क्या भाई, अब लगे हैं हर चीज में, अब इतना बड़ा धंधा तो सरकार ने दिया तो हाँ, उसमें सहयोग बना लिया, हाँ सहयोग मिला भाई, बन गया। तो लग रहा मामा जी आ गए? बिल्कुल आ गए, पक्को में? बिल्कुल पक्को, वोटिंग की जरूरत नहीं, हम तो कहते हैं ऐसा ही आ गए, अभी तो ऐसा ही बिल्कुल आ ही गए। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, और ग्राउंड जीरो पे उतरती हेडलाइंस इंडिया की टीम। जो लोग स्टूडियो में बैठ के सिर्फ ये तूफान मचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हवा लहर तूफान क्या है, तो ये समझ लीजिए ये गरीब व्यक्ति बता रहा है कि मध्य प्रदेश में लहर हवा तूफान आखिर किसका चल रहा है। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश से।